खबर दिन भर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर की पुलिस ने 3 दिन पहले किडनैप हुए 9 महीने के मासूम को ढूंढ निकाला है। बच्चे को दौसा से बरामद किया गया। इससे पूर्व मामले में एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जो दौसा जिले में बच्चे को छिपाने के लिए किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। बेटी की चाह में मासूम को किया था किडनैप। राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार छात्रों का प्रदर्शन का दौर जारी है। आज भी आरयू कुलपति सचिवालय के बाहर छात्र नेता शुभम ने अलग तरीके से प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। छात्रों ने प्रदर्शन का अलग तरीका अपनाया और नुक्कड़ नाटक करके प्रदर्शन किया। छात्र नेता शुभम ने कहा कि एग्जाम के समय विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों से बैग और फोन जमा करने के लिए 20 रुपए लिए जाते हैं। शुभम ने कहा कि अवैध वसूली की जा रही है और लाखों रुपए एकत्रित होते हैं। विद्यार्थियों से फीस के बाद भी एक्स्ट्रा मनी वसूल की जा रही है। झलावाड़ जिले के सिद्धि विनायक कॉलोनी में देर रात 4 नकाबपोश लुटेरों ने एक मकान में परिवार को बंधक बनाकर 50,000 रुपए और करीब 3,00,000 रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। पड़ोसियों की सूचना पर रात को पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी करवाई, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं लगे। झलावाड़ से FSL टीम भी पहुंची और मौके पर मुआयना किया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। 2 दिन पहले बाड़मेर की जेल में कैदी जयसिंह की मौत की जांच और कैदियों के रखरखाव को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी धरने पर बैठे हुए थे। मामले में कार्रवाई होने के बाद शुक्रवार को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने जिला उप कारागृह में चिकन पॉक्स के पीड़ित बंदियों से मुलाकात की। साथ ही अस्पताल प्रशासन से बंदियों को नियमित और उचित इलाज फराहम करवाने के निर्देश भी दिए। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में गर्मी के कारण अब तक सिर्फ 5 मौत हुई है, लेकिन शुक्रवार को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा, भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही भाजपा सरकार। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद मृतकों के परिवार को मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपाने का पाप कर रही है। सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा। राजस्थान में हीट वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रदेश में 100 से भी कहीं अधिक ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले SMS में रोजाना की 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात हैं। उनका राज्य सरकार के दबाव में 3 दिन के अंदर ही बिना पहचान किए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज के दिन भी 40-45 डेड बॉडीज SMS हॉस्पिटल जयपुर में मोर्चरी में रखी हुई है। सरकार यह आंकड़े छुपा रही है और जब हाईकोर्ट ने हीट वेव से होने वाली मौतों के ऊपर मुआवजा देने की आदेश दिए हैं, उसके बाद से तो सरकार ने आनंद फानंद में जो अज्ञात डेड बॉडीज जो हीट वेव से मौतें हुई है उनके आंकड़े छुपाने के लिए, उनकी पहचान छुपाने के लिए कि मुआवजा नहीं देना पड़े, वो उनकी पोस्टमार्टम करा करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। राजस्थान में पिछले 2 सप्ताह से भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों को बेहाल कर रखा है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में दिन का पारा 47 डिग्री से 49 डिग्री तक दर्ज किया गया। चूरू में दिन का पारा 50.5 डिग्री तक पहुंचा, लेकिन अब प्रदेश के लोगों को इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राजस्थान में मौसम बदलने के साथ ही धूल भरी आंधी चलने और कहीं कहीं हल्की सी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं को निकम्मा और नकारा कहने पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब कहना उनके अहंकार को दर्शाता है। अब चुनाव का नतीजा ही बताएगा कि कौन सच में नकारा है। जनता निर्णय करेगी कि गहलोत सही थे या वो नेता जो कांग्रेस छोड़कर गए। यौन शोषण और सेक्स स्कैंडल के आरोप में घिरे JDS से निष्कासित सांसद प्रज्वल रेवन्ना भारत लौट आए हैं। 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे रेवन्ना को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर लिंक करने के कुछ ही मिनट बाद SIT ने गिरफ्तार कर लिया। वह 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया था। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के अब तक अलग अलग लड़कियों के साथ 2,500 से ज्यादा अश्लील वीडियो के क्लिप सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस अब तक 3 अलग अलग महिलाओं के साथ रेप केस दर्ज कर चुकी है। PM मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने का शुक्रवार को दूसरा दिन था। सुबह उनके ध्यान करने की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में अब विपक्ष मोदी के ध्यान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि PM मोदी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
कल 1 जून को चुनावी शोर थम जाएगा। सातवें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर 1 जून को मतदान है। इन प्रदेश से कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की सीट भी शामिल है। आज खबर दिन भर में इतने ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूं। शुक्रिया।